गुल्ली बुल्ली और शॉन आज तालाब में मछलियां पकड़ने जाने वाले हैं और ये लोग बाबा और रॉड का इंतजार कर रहे होते हैं। शॉन कहता है कि आज तो मैं तालाब में से बहुत सारी मछलियां पकड़ूंगा गुल्ली बुल्ली। शॉन मैं तो तालाब के अंदर डुबकी मार के नहाऊंगा। तभी रॉड वहां पर अपनी बाइक से आ जाता है। अरे गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग तैयार तो हो ना? हम बस बाबा के आते ही तालाब जाने के लिए निकलने वाले हैं। हम तो कब से तैयार होकर बैठे हैं रॉड, बाबा और तुम ही तब से देरी कर रहे हो। शॉन कहता है कि बाबा कब तक आएंगे रॉड? बस आते ही होंगे बाबा शॉन। और तभी बाबा अपने जादुई गुब्बारे से वहां पर आते हैं। बाबा कहते हैं कि गुल्ली बुली और शॉन मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। चलो गुल्ली बुली और शॉन, जल्दी चलते हैं अब। और गुल्ली बुली, शॉन और रॉड बाबा के जादुई गुब्बारे के अंदर आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि बस 10 मिनट के अंदर हम तालाब के पास पहुंच जाएंगे। और ये लोग तालाब के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। शॉन कहता है कि गुल्ली बुली वो देखो, कितना सुंदर लग रहा है ये तालाब ऊपर से। हाँ शॉन, बहुत मजा आएगा। और ये सभी लोग उस तालाब के पास आकर नीचे उतर जाते हैं और ये सभी लोग फिशिंग करने के लिए बैठ जाते हैं। बाबा मैं इस तालाब के अंदर तैरना चाहता हूँ, उसके बाद आकर फिशिंग करूंगा मैं। बाबा कहते हैं कि ठीक है जाओ बुल्ली, लेकिन किनारे किनारे ही तैरना और ज्यादा दूर मत जाना। और फिर बुल्ली पानी के अंदर कूद कर स्विमिंग करने लगता है। लेकिन बुल्ली स्विमिंग करते करते थोड़ी दूरी पर आ जाता है और तभी बुल्ली देखता है कि एक नाव तैरती हुई उसकी तरफ ही आ रही है। बुल्ली कहता है कि बाबा और रॉड, बुल्ली मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बुल्ली की चिंता हो रही है। बाबा कहते हैं कि यहीं स्विमिंग कर रहा होगा गुल्ली, चिंता मत करो तुम। बाबा मुझे लगता है गुल्ली ठीक कह रहा है, क्या पता ऐसे ही तैरते हुए कहीं दूर चला गया हो। लेकिन तभी शॉन देखता है कि पानी में से एक मॉन्स्टर इन लोगों को देख रहा होता है। बाबा वो देखिए, हमें कोई पानी के अंदर से देख रहा है। कौन हो तुम? बाबा, तुम्हारा साथी बुल्ली हमारे कब्जे में है। अगर तुम उसको वापस पाना चाहते हो तो ग्रैनी के ठिकाने पर एक घंटे में पहुंच जाना, नहीं तो तुम्हारे साथी को मार डालेंगे हम। तभी बाबा पानी के अंदर कूद जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर बुल्ली को लेकर ऊपर उड़ जाता है। और फिर बाबा वापस पानी के बाहर निकल आते हैं। बाबा हमें बुल्ली को बचाना ही होगा। हाँ बाबा, हमें बुल्ली वापस चाहिए कैसे भी। चलिए बाबा, हमें जल्दी करना होगा। और ये सभी लोग जादुई गुब्बारे में आ जाते हैं और जाने लगते हैं ग्रैनी की घर की ओर। और थोड़ी ही देर में ये लोग ग्रैनी के ठिकाने पर पहुंच आते हैं। बाबा ये जगह तो मुझे बहुत डरावनी लग रही है। रॉड कहता है कि बाबा यहाँ तो मुझे भी डर लग रहा है। तभी एक उड़ने वाला राक्षस इनकी तरफ आता है। कौन हो तुम लोग? तुम्हारी ग्रैनी ने हमारे दोस्त बुल्ली को किडनैप कर लिया है और हमें मिलने को बुलाया है। बताओ कहाँ है ग्रैनी? आओ चलो मेरे पीछे पीछे। और ये सभी लोग उस राक्षस का पीछा करते हुए जाने लगते हैं। शॉन कहता है कि बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना शॉन तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। और वो राक्षस इन लोगों को ग्रैनी के पास पहुंचा देता है। और अरे ये तो ग्रैनी के साथ साथ में बॉब द किलर भी है। बॉब द किलर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी पुरानी मार याद नहीं है? चुप हो जाओ बाबा, अब मेरा साथी है ये बॉब द किलर, और तुम बॉब द किलर से कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते हो। तुम रोकोगी मुझे ग्रैनी? चुपचाप मेरी बात सुनो बाबा, नहीं तो तुम्हें बुल्ली कभी नहीं मिलेगा। रॉड कहता है कि पहले हमारे बुल्ली को हमें दिखाओ ग्रैनी। और ये सुनते ही तभी बॉब द किलर एक जादुई गोले में बुल्ली को दिखाता है।
देख लिया अब चलो चुपचाप ग्रैनी की बात सुनो। ग्रैनी कहती है, देखो बाबा, मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। मुझे एक दवाई बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। अगर तुम ये 3 चीजें मुझे लाकर दे दो तो मैं बुल्ली को तुम्हें वापस लौटा दूंगी। बाबा कहते हैं कि क्या हैं ये 3 चीजें। मुझे पहली चीज एक शेर का दिल चाहिए, दूसरी चीज है एक बड़े सांप का जहर, और तीसरी चीज है एक बड़े चमगादड़ की आंख। अगर शेर का दिल और उस सांप का जहर और साथ ही चमगादड़ की एक आंख तुम मुझे लाकर दे दो तो बुल्ली को मैं सही सलामत तुम्हें सौंप दूंगी। शॉन कहता है कि सबसे पहले तो शेर का दिल हमें मिलेगा कहाँ, उसके बाद में हमें एक सांप से लड़कर उसका जहर निकालना होगा, और लास्ट में ये ग्रैनी कह रही है कि हमें एक चमगादड़ की आंख निकालनी है। बाबा मना कर दीजिए। बाबा कहते हैं कि हमें बुल्ली के लिए ये करना ही होगा शॉन। बाबा कहते हैं कि शॉन चिंता मत करो तुम, हमारे पास हमारी शक्तियां हैं, हम अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकते हैं। लेकिन तुम इन चीजों से करने क्या वाली हो ग्रैनी, क्यों चाहिए ये सब तुम्हें? जितना काम कहा जाए उतना ही करो रॉड, ज्यादा सवाल मत करो। शांत हो जाओ बाब द किलर। रॉड, ये 3 चीजें एक दवाई की रेसिपी है, तो उस दवा को बनाने के लिए मुझे ये 3 चीजों की जरूरत है। और गुल्ली, शॉन, बाबा और रॉड ग्रैनी को ये 3 चीजें देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये नक्शा ले लो बाबा, ये जादुई नक्शा तुम्हारी मदद करेगा ये 3 चीजें पाने में। चलो अब जाओ। और गुल्ली, शॉन, रॉड और बाबा निकल जाते हैं एक खतरनाक एडवेंचर पर। बाबा कहते हैं कि ये नक्शा तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा रॉड, आखिर कैसे पता चले कि हमें पहले कहां जाना है? पहली चीज, हमें एक शेर का दिल चाहिए था बाबा, लेकिन इस नक्शे में तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा शेर तक पहुंचने का रॉड। बाबा के ऐसा कहते ही उस नक्शे पर एक जंगल दिखाई देता है, फिर एक मॉन्स्टर, और आखिर में वो शेर दिखाई देता है। बाबा कहते हैं कि लगता है ये नक्शा जादुई है गुल्ली, शॉन और रॉड। बाबा इसका क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पाया। रॉड कहता है कि शॉन ये नक्शा हमें बता रहा है कि पहले हमें एक जंगल से होकर गुजरना होगा, फिर हमारा सामना एक मॉन्स्टर से होगा, और उसके बाद जाकर हमें वो शेर मिलेगा जिसका दिल ग्रैनी को चाहिए था। बाबा ये तो बहुत खतरनाक एडवेंचर हो रहा है, और इस मॉन्स्टर को देखिए, इस मॉन्स्टर को हराने के बाद में हमें इस शेर से भी लड़ना है। बाबा कहते हैं कि बुल्ली को बचाने के लिए हमें ये करना ही होगा गुल्ली। चलिए बाबा, चलते हैं फिर जंगल की तरफ। और थोड़ी ही देर में ये लोग एक जंगल के बाहर पहुंच जाते हैं। लगता है यही वो घना जंगल है गुल्ली, शॉन और रॉड। चलिए बाबा, चलते हैं अंदर। और ये लोग उस जंगल के अंदर चले जाते हैं। जंगल के बीच आने के बाद ये लोग लावा के एक छोटे से नाले के पास पहुंच जाते हैं, और इस लावा को पार करने के बाद ही ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। रॉड कहता है कि बाबा ये इस जंगल में ये लावा कहां से आया? बाबा हमें वापस चलना चाहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ भी नहीं होगा शॉन, डरो मत तुम, ज्यादा दूरी नहीं तय करनी है उस पार पहुंचने में, चलो आओ मेरे पीछे। और ये लोग उस घने जंगल को थोड़ी देर में ही पार कर लेते हैं। हा हा हा, ये जंगल पार करना तो बहुत ही इजी था बाबा। गुल्ली कहता है कि अब हमारा सामना उस राक्षस से होगा बाबा। और तभी वो मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है। तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुंच गए? मैं तुम्हें यहाँ से आगे जाने नहीं दूंगा, अपनी भलाई चाहते हो तो वापस चले जाओ तुम लोग। बाबा कहते हैं कि तुम कहोगे और हम चले जाएंगे क्या मॉन्स्टर? हम उस शेर का दिल निकालने आए हैं, और उसको मारकर उसका दिल हम लेकर ही जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा कर यहाँ से जा सकते हो? बाबा यहाँ से आगे कोई नहीं जा पाया है आज तक। बाबा तभी उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हैं।
बस खत्म हो गए क्या बाबा? तभी रॉड मॉन्स्टर को पीछे से मारकर लावा के अंदर गिरा देता है। बाबा कहते कि रॉड तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचा ली। रॉड कहता है कि आप ना होते तो हम कब के मारे जाते बाबा, सब तो आपने ही किया है, मैंने तो बस इसे धक्का देकर नीचे गिराया है। गुल्ली कहता है कि चलिए बाबा, हमें अभी आगे बढ़ना चाहिए। और गुल्ली, शॉन, बाबा और रॉड उस पुल से उस लावा की खाई को पार कर लेते हैं। यहाँ बहुत लावा मिल रहा है बाबा। बाबा कहते कि हाँ मैंने भी देखा शॉन। और गुल्ली, शॉन, रॉड और बाबा थोड़ी ही देर में एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। और तभी ये लोग देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ी गुफा थी। अब क्या करना है बाबा, वो राक्षस यानी वो शेर हमें कहां मिलेगा? गुल्ली कहता है कि बाबा लगता है ये गुफा उसी की है, चलिए अंदर चलकर देखते हैं। नहीं गुल्ली, इसी अनजान गुफा में मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ तुम लोगों को, और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तभी बाबा को उस गुफा के अंदर किसी की लाल आंखें दिखाई देती हैं, और तभी अंदर से वही शेर बाहर निकलने लगता है जिसका दिल इन लोगों को चाहिए था। वो शेर देखने में बहुत डरावना और बड़ा था। बाबा भी उस शेर को देखकर थोड़े से घबरा से जाते हैं। बाबा, गुल्ली, शॉन और रॉड ये सभी उस मॉन्स्टर शेर को देखकर डर चुके हैं। और तभी वो शेर इन लोगों को देख लेता है। तभी बाबा उस शेर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो शेर बच जाता है। और उसके बाद बाबा को अपने हाथ से पकड़कर उठा लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुफा के पास आने की? कौन हो तुम लोग? रॉड कहता है कि बाबा को छोड़ दो शेर, नहीं तो मैं तुम्हें चूहा बना दूंगा। और मॉन्स्टर शेर जैसे ही ये सुनता है तो वो शेर बाबा को फेंक देता है और कूद कर रॉड के पास आ जाता है। रॉड कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था शेर भाई। लेकिन मैं मजाक नहीं करता। बहुत अच्छे रॉड, तुमने शेर को फ्रीज कर दिया। शॉन कहता है कि अब बोलना शेर मॉन्स्टर। अब तुम किसी लायक नहीं रहे। लेकिन तभी उस शेर मॉन्स्टर का बर्फ टूट जाता है। क्या बस इतनी ही ताकत थी तुम लोगों में? बाबा कहते हैं कि शेर अब तुम बचने नहीं वाले हो। मैं इस धरती का सबसे शक्तिशाली शेर हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तभी गुल्ली और शॉन देखते हैं कि ग्रैनी का मैप अपने आप खुल जाता है और मैप में एक तलवार बना हुआ दिखाई देता है। गुल्ली लगता है इसी तलवार से ये शेर को मारा जा सकता है। गुल्ली कहता है कि हाँ शॉन, हमें कैसे भी करके इस तलवार को ढूंढना होगा। और गुल्ली और शॉन भागते हुए शेर मॉन्स्टर के गुफा में चले जाते हैं और वहां उन्हें एक तलवार रखी हुई दिखाई देती है। और इधर रॉड अपनी पूरी ताकत से शेर को बहुत सारे बर्फ से फ्रीज कर देता है। बाबा, इस तलवार से मारिए उस शेर को, तभी मरेगा ये, नहीं तो नहीं मर सकता है ये ऐसे। और तभी वो मॉन्स्टर शेर का बर्फ दोबारा टूटने लगता है। बाबा उस मॉन्स्टर शेर को तलवार से मार देते हैं और वो शेर वहीं पर गिर जाता है। शॉन कहता है कि बाबा, आखिरकार हमने इस शेर को मार ही दिया। हाँ शॉन, लेकिन बहुत परेशान किया है इस शेर ने हमें। बाबा कहते हैं कि तुम लोगों ने तलवार लाकर बहुत अच्छा काम किया गुल्ली और शॉन, नहीं तो हम इससे लड़ते ही रह जाते। चलिए बाबा, अब इस शेर का दिल निकाल लेते हैं। और ये लोग उस मॉन्स्टर शेर का दिल निकाल लेते हैं। और फिर उस मैप में एक नदी दिखाई देती है और फिर दिखाई देती है एक नागिन। ये देखो गुल्ली, शॉन और रॉड, अब हमें इस नागिन को मारकर उसका जहर लेना पड़ेगा। बाबा, पहले इस नदी तक हमें पहुंचना होगा। चलिए बाबा, चलते हैं।
और ये लोग वहां से जाने लगते हैं। और फिर गुल्ली, रॉड, शॉन और बाबा चलते हुए एक नदी के किनारे तक आ जाते हैं। तो यहां मिलेगी वो नागिन हमें। गुल्ली कहता है कि बाबा, मुझे सांप से बहुत डर लगता है, और ये तो फिर भी एक इच्छाधारी नागिन है। रॉड कहता है कि कोई बात नहीं गुल्ली, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उस नागिन को तुम तक पहुंचने से पहले ही मैं उसे मार दूंगा। लेकिन अब वो नागिन हमें मिलेगी कहां रॉड? लेकिन गुल्ली, शॉन, रॉड और बाबा को ये पता नहीं था कि वो नागिन एक पेड़ के पास से उन लोगों को देख रही होती है। ये लोग यहाँ तो आ गए, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी मैं। और तभी बाबा उस नागिन को देख लेते हैं। रॉड, वो देखो नागिन वहां है, जल्दी फ्रीज कर दो इसको। और रॉड तभी नागिन को फ्रीज कर देता है, लेकिन वो नागिन तुरंत ही उस बर्फ को तोड़ देती है। अब तुम लोगों को रोना पड़ेगा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। सुनो नागिन, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें बस तुम्हारा थोड़ा सा जहर चाहिए। जहर मिलेगा तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें जब काटूंगी तब। तभी वो नागिन इन लोगों की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन बाबा उस नागिन को मार के पीछे गिरा देते हैं। नागिन तभी बाबा पर जहर से हमला करती है, लेकिन बाबा बच जाते हैं। अब देखती हूँ कैसे बचते हो तुम लोग। और तभी गुल्ली, शॉन, रॉड और बाबा को कई सारी नागिन घेर लेती हैं। अब ये लोग चार चार नागिनों से घिर चुके हैं। बाबा तभी गुल्ली, बुल्ली और रॉड के पास चले जाते हैं और तुरंत अपने चारों तरफ एक शील्ड बना देते हैं। तभी वो सभी नागिन इन लोगों के ऊपर कूद जाती हैं, लेकिन शील्ड से टकरा कर सबके सब पीछे जाकर गिर जाती हैं। तभी एक नागिन अपनी शक्तियों से पानी के बीच में एक जमीन बाहर लाती है और गुल्ली, शॉन, रॉड और बाबा को अपनी शक्तियों से शील्ड के साथ उठाकर उस पानी के बीच में रख देती है। बड़ा शौक है ना तुम्हें शील्ड बनाने का, चलो अब रहो इस पानी के बीचों बीच। और तभी उन लोगों के किनारे किनारे दो मगरमच्छ घूमने लगते हैं। गुल्ली कहता है कि बाबा, ये तो मगरमच्छ ने हमें घेर लिया है। बाबा, इस शील्ड को हटाइए ना, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और बाबा उस शील्ड को हटा देते हैं, लेकिन तभी एक मगरमच्छ इन लोगों के ऊपर कूद जाता है, लेकिन रॉड उसे फ्रीज कर देता है और वो मगरमच्छ बर्फ के साथ साथ में पानी के ऊपर ही तैरने लगता है। तुम लोग यहाँ से नहीं जा पाओगे, इस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। तुम लोगों ने एक मगरमच्छ को तो मार दिया, अब और मगरमच्छ आएंगे तुम्हारे पास। बाबा कहते हैं कि हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना होगा, गुल्ली, शॉन और रॉड। और तभी बाबा अपनी पावर से उस जमीन के टुकड़े के साथ वहां से उड़ जाते हैं। और थोड़ी ही देर में बाबा, गुल्ली, शॉन और रॉड पहुंच जाते हैं एक आइलैंड पर। बाबा कहते हैं कि इस आइलैंड पर हम लोग सेफ हैं, गुल्ली, शॉन और रॉड। रॉड कहते हैं कि बाबा, हम क्या करने वाले हैं अब? पहले तो आराम कर लो रॉड, हमें आराम करना चाहिए सबसे पहले। गुल्ली कहता है कि बाबा, वो देखिए, वो एक ड्रैगन है शायद। हाँ बाबा, ये लगातार हमारे ऊपर ही घूमे जा रहा है। बाबा कहते हैं कि इस आइलैंड पर ये ड्रैगन हमेशा घूमता रहता है, गुल्ली और शॉन, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, चलो आओ, तुम लोग यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकते हो। रॉड कहता है कि पर बाबा, हमें तो उस नागिन का जहर पाना है ना। हाँ रॉड, लेकिन वो नागिन बहुत नाटक कर रही थी वहां, इस बार तो उसको मारने के बाद ही हम उसका जहर लेंगे अब। लेकिन तभी गुल्ली देखता है कि एक नागिन इनके पीछे पीछे यहाँ तक आ चुकी है। गुल्ली कहता है कि बाबा, वो देखिए, वो नागिन यहाँ भी आ गई है, चलो अब इसका खेल खत्म करते हैं। बाबा, मैंने कहा था तुमसे, तुम बचकर नहीं जा सकोगे मुझसे। नागिन, मैं चाहता तो उसी वक्त तुम्हें मारने के बाद तुम्हारा जहर ले सकता था, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम नहीं बचने वाली हो,
और तभी बाबा रॉड को कुछ इशारा करते हैं और तभी रॉड उस नागिन को नीचे से आधा फ्रीज कर देता है और तभी वो नागिन अचानक से परेशान हो जाती है। ये क्या किया तुमने? छोड़ो, जाने दो मुझे। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ नागिन, तुम बताओ क्या मरना चाहती हो तुम? अगर नहीं मरना चाहती हो तो चुपचाप हमें तुम्हारा जहर दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें जहर देने के लिए तैयार हूँ। और बाबा एक शीशी के अंदर जहर को भर लेते हैं। हा, क्यों नागिन, तुम तो बहुत उछल रही थी वहाँ। मेरे बर्फ को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। मैं जानबूझकर वहाँ तुम पर अपनी पूरी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर रहा था और अगर मैं चाहूँ तो इस बर्फ को कभी पिघलने नहीं दूंगा और तुम यहीं कैद रह जाओगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, अब तुम्हें तो जहर मिल ही गया है। ठीक है, हमारे जाने के थोड़ी देर बाद ही ये बर्फ पिघल जाएगी। तभी ये लोग मैप को दोबारा खोलते हैं और उस मैप में एक गुफा दिखाई देती है और फिर दिखाई देता है एक आंख वाला चमगादड़। देखो गुल्ली शॉन और रॉड, हमें इस गुफा के अंदर जाकर इस चमगादड़ की आंख निकालनी होगी। शॉन कहता है कि बाबा मुझे अब डर लग रहा है, ये चमगादड़ कोई मामूली चमगादड़ नहीं लगता है मुझे। रॉड कहता है कि अरे शॉन, ये नागिन भी तो कोई मामूली नागिन थोड़ी ही थी, फिर भी हमने इसे हरा ही दिया ना। और फिर बाबा अपने ड्रैगन दोस्त को वहां पर बुलाते हैं। नमस्ते बाबा, बताइए क्या काम है मेरे लिए? ड्रैगन, हमें उस पहाड़ी वाले गुफा तक जाना है। ठीक है बाबा, आइए चलते हैं। चलो गुल्ली शॉन और रॉड, हम उस गुफा के पास चल रहे हैं। और ये सभी लोग बैठ जाते हैं ड्रैगन के ऊपर और ड्रैगन निकल जाता है उस पहाड़ी वाली गुफा की ओर। और फिर ये लोग पहुंच जाते हैं उस गुफा के पास, लेकिन इन्हें नहीं पता कि वहां पर वो चमगादड़ इनका ही इंतजार कर रहा था। और वहां ग्रैनी और बॉब द किलर भी इन लोगों को देख रहे थे। लेकिन ग्रैनी और बॉब द किलर यहां पर क्या कर रहे हैं? और गुल्ली शॉन रॉड और बाबा उस ड्रैगन से नीचे उतर आते हैं। शॉन कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ड्रैगन, तुमने हमें सही सलामत इस गुफा के पास पहुंचा दिया। ये तो मेरा फर्ज था शॉन, बाबा बुलाए और मैं ना आऊं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। चलो ठीक है ड्रैगन, तुम जा सकते हो अब। जी बाबा, चलो टाटा तुम सभी लोगों को। और फिर तभी वो ड्रैगन वहां से वापस चला जाता है। लेकिन गुल्ली शॉन रॉड और बाबा को नहीं पता कि ग्रैनी और बॉब द किलर उन्हें देख रहे होते हैं और इधर उस चमगादड़ ने भी उन्हें देख लिया है। तभी वो चमगादड़ उड़ते हुए उस गुफा के अंदर चला जाता है। चलो गुल्ली शॉन और रॉड, अब हमें इस गुफा के अंदर चलना चाहिए और अंदर चलकर उस चमगादड़ को ढूंढते हैं। और ये सभी लोग उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। ग्रैनी, हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? ये लोग तो यहाँ हमारा ही काम करने आए हैं। बॉब द किलर, मैं देखना चाह रही थी कि क्या सच में ये लोग हमारा काम कर भी रहे हैं कि नहीं। ग्रैनी, तो क्या सच में तुम ये तीन चीजें पाने के बाद में बुल्ली को लौटा दोगी इन्हें? तुम्हें क्या लगता है बॉब द किलर, मैं बुल्ली को इन्हें ऐसे ही देने वाली हूँ? बिल्कुल नहीं। और फिर ग्रैनी और बॉब द किलर वहां से गायब हो जाते हैं। और इधर बाबा गुल्ली शॉन और रॉड चलते चलते काफी अंदर आ चुके हैं और तभी ये लोग एक बहुत ही खतरनाक जगह पर पहुंच जाते हैं। उस जगह पर लावा ही लावा भरा हुआ था। शॉन कहता है कि बाबा ये कैसी गुफा है, यहां तो अंदर बहुत डरावनी जगह है ये, चलिए ना वापस चलते हैं बाबा, बुल्ली को पाने का कोई दूसरा तरीका पा लेंगे हम। बाबा मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है यहाँ पर, और पता नहीं कैसा दरवाजा है ये, एकदम किसी हॉलीवुड फिल्म के जैसा लग रहा है मुझे यहाँ पर। शॉन और रॉड, याद रखो कि हमें बुल्ली को बचाने के लिए सब कुछ करना ही पड़ेगा, भले से हमारे सामने कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। गुल्ली कहता है कि लेकिन बाबा, अब हम लोग यहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ,
अब क्या करना है आगे? यहाँ तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और ना ही यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता है यहाँ पर। लेकिन तभी वहाँ उस लावा के अंदर से एक लावा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। कौन हो तुम लोग? अगर अपनी सलामती चाहते हो तुम लोग तो वापस लौट जाओ अभी। हम यहाँ एक आंख वाले चमगादड़ की आंख लेने आए हैं लावा मॉन्स्टर। अच्छा यही होगा कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। तो तुम लोग लोगे चमगादड़ की आंख? तुम पहले मुझसे तो निपट लो। और तभी वो लावा मॉन्स्टर इनकी तरफ कूद जाता है। लेकिन बाबा तभी एक शील्ड बना देते हैं और लावा मॉन्स्टर उस शील्ड से टकरा कर नीचे जाकर गिर जाता है। बाबा रॉड से कहते हैं कि रॉड, क्या तुम इस पूरे लावा को बर्फ में बदल सकते हो? बाबा ये लावा बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे हो पाएगा। शॉन कहता है कि कोशिश तो करके देखो रॉड, तुम ये बिल्कुल कर सकते हो। अगर ये लावा बर्फ में बदल गया तो ये जगह बहुत ठंडी हो जाएगी हमारे लिए, अभी बहुत गर्मी लग रही है। और तभी रॉड का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है और वो पूरी जगह बर्फ में बदल जाती है। गुल्ली कहता है कि कमाल कर दिया तुमने रॉड, ये पूरी जगह ही बर्फीली हो गई है। हाँ रॉड, कमाल कर दिया तुमने। लेकिन तभी उस लावा के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल जाता है और उसके अंदर से वो चमगादड़ बाहर निकलता है। उस चमगादड़ को ये लोग देखकर एकदम से डर चुके हैं। तो तुम लोग यहाँ तक आ ही गए, अब देखो क्या करता हूँ मैं तुम लोगों के साथ। बाबा कहते हैं कि क्या करोगे तुम चमगादड़, ये देख लो उस लावा मॉन्स्टर का क्या हाल कर दिया हमने। बाबा आप बोलो तो मैं इसे भी मार डालूं। नहीं रॉड, हमें इसकी आंख निकालनी है, तभी तो हम बुल्ली को बचा पाएंगे। कह लो जो कहना है। क्योंकि इसके बाद तुम लोग जिंदा नहीं बचने वाले हो। रॉड उस मॉन्स्टर को देखकर वापस नॉर्मल हो जाता है। रॉड मेरी बात सुनो, हम साथ में इस मॉन्स्टर से जीत सकते हैं, तुम अपनी सारी फ्रीजिंग पावर तैयार रखना। रॉड कहता है कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा बाबा, चलिए इस चमगादड़ को मजा चखाते हैं। और बाबा और रॉड दोनों अपने एक्सट्रीम मोड में चले जाते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। इसको रास्ते में ही फ्रीज कर दो रॉड। और वो चमगादड़ इनकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रॉड उसे रास्ते में ही फ्रीज कर देता है। ये क्या किया तुमने, छोड़ो मुझे। तभी रॉड उस चमगादड़ को एक बर्फ के टुकड़े में कैद कर देता है और वो उस बर्फ के साथ ही नीचे गिर जाता है। तुम लोग कुछ भी कर लो, तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। और वो चमगादड़ उस बर्फ के टुकड़े को तोड़ देता है और बाबा और रॉड अपनी अपनी पावर्स तैयार कर लेते हैं। रॉड, हमें हम दोनों की पावर्स को एक करना होगा। हम एक साथ अगर इस पर अटैक करें तो हमें रोक पाना इसके बस की बात नहीं। और तभी रॉड दोबारा चमगादड़ को फ्रीज कर देता है और बाबा अपनी शक्तियों से उस चमगादड़ को जला देते हैं। रॉड उस चमगादड़ की आंख को उठा लेता है। बाबा ये देखिए, मिल गई हमें इस चमगादड़ की आंख। चलो रॉड अब ऊपर आ जाओ। शॉन अपने हाथ आगे करो। और तभी शॉन के हाथ में उस शेर मॉन्स्टर का दिल आ जाता है और तभी बाबा के हाथ में उस नागिन का जहर और रॉड के हाथ में उस चमगादड़ की आंख तो है ही। गुल्ली कहता है कि वाह बाबा, हमने इन तीन चीजों को पा लिया है, हमारे पास शेर का दिल, उस नागिन का जहर और इस चमगादड़ की आंख भी है। चलिए अब ग्रैनी को ये तीन चीजें दे देते हैं और बुल्ली फिर हमें वापस मिल जाएगा। और तभी बाबा अपनी शक्तियों से वहां पर एक जादुई कालीन बुलाते हैं। चलो गुल्ली, शॉन और रॉड, चलते हैं बुल्ली को वापस लेने। और ये लोग कालीन पर खड़े हो जाते हैं और ग्रैनी के ठिकाने पर जाने के लिए निकल जाते हैं। और ये लोग ग्रैनी के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। ग्रैनी, हम तुम्हारी वो तीन चीजें लेकर आ गए हैं, अब इनको लो और हमारा बुल्ली हमें वापस कर दो।
और बाबा रॉड और शॉन उन तीनों चीजों को ग्रैनी के हवाले कर देते हैं। तभी ग्रैनी के मॉन्स्टर्स और भी खतरनाक बन जाते हैं। अब आएगा मजा। क्या मतलब है तुम्हारा ग्रैनी? बाबा, ये तीन चीजें जो तुमने हमें ला कर दी हैं, इससे हमारे मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। बिल्कुल सही बॉब द किलर, अब चले जाओ तुम लोग यहाँ से, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। ये क्या बात हुई ग्रैनी, हमारे बुल्ली को तुम वापस कर दो वरना बहुत बुरा होगा। क्या कर लोगे तुम गुल्ली? ग्रैनी, अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, चुपचाप से बुल्ली को हमें वापस लौटा दो वरना तुम्हें और तुम्हारे मॉन्स्टर्स को मैं इसी वक्त मार डालूंगा। तभी रॉड को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम लोगों को मैं एक बार में ही खत्म कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। आओ बॉब द किलर, बहुत गर्मी थी ना तुम्हारे अंदर। अब बोलो रॉड, क्या कह रहे थे तुम? लेकिन तभी शॉन को ग्रैनी पर गुस्सा आ जाता है और शॉन जाकर ग्रैनी को मार के गिरा देता है। और इधर बाबा को होश आ जाता है और इस बार बाबा का एक्सट्रीम मोड और भी खतरनाक रूप ले लेता है। और ग्रैनी जैसे ही बाबा का ये रूप देखती है तो एकदम से डर जाती है। बॉब द किलर, ये बाबा पागल हो गया है, चलो जल्दी भागो यहाँ से। और ग्रैनी और बॉब द किलर वहां से गायब हो जाते हैं। भाग लो जितना भागना है, लेकिन बचोगे नहीं तुम लोग। और फिर बाबा वापस नॉर्मल हो जाते हैं और इधर रॉड को भी होश आ जाता है। बाबा बुल्ली को कैसे खोजेंगे हम? बाबा कहते हैं कि ग्रैनी इन्हीं मॉन्स्टर्स को और ताकतवर बना रही थी ना, दोनों तो वैसे ही मारे गए आखिरकार, हमारा समय खराब हुआ है सिर्फ रॉड। लेकिन गुल्ली, शॉन, रॉड और बाबा को नहीं पता कि ग्रैनी और बॉब द किलर उन तीन चीजों का इस्तेमाल खुद पर ही करने वाले हैं। बाबा कहते हैं कि रॉड, अब हमें सोच समझ कर प्लान बनाना होगा, ग्रैनी ने हमारा समय बहुत बर्बाद किया है और बहुत मुसीबत भी झेला है हमने। लेकिन बाबा क्या करेंगे हम, उस ग्रैनी ने बुल्ली को कहाँ रखा है ये तक नहीं पता है हमें। शॉन कहता है कि क्यों ना बाबा हम आपके घर चलकर जादुई गोले में देख लें कि ग्रैनी ने कहाँ रखा हुआ है बुल्ली को, ये अच्छा आइडिया है शॉन। और तभी बाबा वहाँ बादल को बुलाते हैं। नमस्ते बाबा, कैसे याद किया मुझे? खुश रहो बादल, हमें मेरे घर पर ले चलो बादल। और ये सभी लोग बादल पर बैठकर बाबा के घर जाने लगते हैं। और ये लोग थोड़ी ही देर में पहुंच जाते हैं बाबा के घर। बाबा कहते हैं कि तुम लोग यहीं रुको, मैं अपना जादुई गोला लेकर आता हूं गुल्ली, शॉन और रॉड। और बाबा घर के अंदर से अपना जादुई गोला लेकर आते हैं और ये लोग देखते हैं कि ग्रैनी और बॉब द किलर ने बुल्ली को उल्टा लटका रखा है और बुल्ली के पास में दो एलियन भी होते हैं। बाबा ये क्या, बुल्ली को तो उल्टा लटका दिया है ग्रैनी और बॉब द किलर ने, और बाबा बुल्ली के पास ये दो एलियन क्या कर रहे हैं? रॉड कहता है कि बाबा कहीं ग्रैनी और बॉब द किलर ने बुल्ली को किसी दूसरे प्लेनेट पर तो नहीं रखा है? शांत हो जाओ गुल्ली, शॉन और रॉड, मुझे लगता है कि ये कोई गुफा है और ये कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है। बाबा, ये जगह मैं जानता हूँ, मैं आपको लेकर जा सकता हूँ यहाँ। ठीक है बादल, चलो गुल्ली, शॉन और रॉड, चलते हैं बुल्ली को बचाने। और ये लोग बादल पर बैठकर जाने लगते हैं गुफा की ओर। और थोड़ी ही देर में ये लोग उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं और सीधे गुफा के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अंदर आने के बाद ही उन्हें एक लावा का एक छोटा सा नाला दिखाई देता है। शॉन कहता है कि बाबा ये क्या,
यहाँ लावा क्या कर रहा है? अब हम उस पार कैसे जाएंगे? मैं अभी एक ब्रिज बना देता हूँ शॉन। और बाबा तभी वहां पर एक ब्रिज बना देते हैं। तो तुम लोग यहाँ भी आ गए बुल्ली, शॉन, रॉड और बाबा। बॉब द किलर, बुल्ली को हमें लौटा दो। लेकिन बॉब द किलर इनका जवाब नहीं देता और उस ब्रिज से इनकी ओर आने लगता है। लेकिन तभी वो ब्रिज अचानक से गायब हो जाता है और बॉब द किलर उस लावा में गिरकर मारा जाता है। बाबा कहते हैं कि इस ब्रिज को सिर्फ हम ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई और इसका इस्तेमाल करना चाहेगा तो मारा जाएगा। और उसके बाद ये सभी लोग उस ब्रिज को पार करके पहुंच जाते हैं बुल्ली के पास। तभी एलियंस इन लोगों को देख लेते हैं। कौन हो तुम लोग और यहां तक कैसे पहुंचे? शॉन कहता है कि हमारे दोस्त बुल्ली को चुपचाप से छोड़ दो एलियंस, नहीं तो बाबा और रॉड तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। और शॉन की आवाज को सुनकर बुल्ली को होश आ जाता है। शॉन, बुल्ली, रॉड और बाबा, आप लोग आ गए। ग्रैनी और बॉब द किलर ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे बचा लीजिए बाबा। तभी बाबा अपनी पावर से बुल्ली की रस्सी को खोल देते हैं और फिर बाबा तभी एलियंस पर अपने लेजर से हमला कर देते हैं और वो दोनों एलियंस वहीं मारे जाते हैं। रॉड कहता है कि इन पिद्दी एलियंस को रखा था उस ग्रैनी ने। और बाबा, गुल्ली, शॉन और रॉड बुल्ली के पास आ जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना बुल्ली? हाँ बाबा, लेकिन उन दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे पीने के लिए पानी भी नहीं दे रहे थे वो लोग। रॉड कहता है कि तुम चिंता मत करो बुल्ली, बॉब द किलर पहले ही मारा गया है और अब तो हम आ ही गए हैं। लेकिन तभी वहां ग्रैनी आ जाती है। तुम लोगों ने मेरे साथी बॉब द किलर को मार डाला और मेरे एलियंस को भी, मैं तुम लोगों को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे मत मारो बाबा, जाओ ले जाओ अपने बुल्ली को। नहीं ग्रैनी, तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। और रॉड ग्रैनी को फ्रीज कर देता है और तभी ग्रैनी को बाबा ब्लास्ट कर देते हैं। थैंक यू रॉड और बाबा, अब जाके शांति मिली है मुझे। गुल्ली कहता है कि चलिए बाबा, चलते हैं अब घर, हम सभी लोग थक भी चुके हैं। हाँ गुल्ली, घर चलकर पार्टी करेंगे हम सब। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं ऐसी न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।